ये आपको बेटे मैं आज ही क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। फिर हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, तो टू क्लासेस में ये हम टॉपिक करते हैं। आज इसका मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, फिर एक क्लास में हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। अब देखिए, ये जो स्लोक्स का टॉपिक होता है, इसमें प्राइमरी किस तरह से वर्कआउट करते हैं, इसमें बेटे हमारे पास में पहले तो हम क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन किस टाइप से होता है। इसमें ना आपको स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, ठीक है, टू और थ्री स्टेटमेंट्स आर गिवन। फिर हमें उन स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या करने होंगे, कंक्लूजन्स करने होंगे, हमें उन स्टेटमेंट्स के ऊपर कंक्लूजन करना होगा, ठीक है। अब बेटे पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंक्लूजन। देखो, दो टर्म्स होती है, वन टर्म इज कंक्लूजन और सेकेंड होता है बेटे पॉसिबिलिटी। वन थिंग इज कंक्लूजन, सेकेंड होता है पॉसिबिलिटी, ठीक है। देखो, कंक्लूजन होता है जो 100% ट्रू है बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है उस पे 100% राइट जो है वो होता है कंक्लूजन, ठीक है। और पॉसिबिलिटी होती है जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, जो मे बी जिसको हम कहते हैं, विद दैट थिंग कैन हैपन और इट कैन नॉट हैपन, उसे हम क्या कहते हैं, पॉसिबिलिटी कहते हैं। तो जो सिलोजिज्म्स का टॉपिक होता है वो बेटे स्टेटमेंट कंक्लूजन होता है, मतलब उसमें हमें कंक्लूड करना है, ठीक है। आपको जैसे क्वेश्चन भी दिया होता है तो स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, फिर नीचे कंक्लूजन लिखा होगा, तो कंक्लूजन में आपने ये ध्यान रखना है कि इट मस्ट बी 100% राइट। अब इसमें हमारे पास में फोर टाइप की स्टेटमेंट्स होती हैं, हम एक एक करके अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट होती है ऑल ए इज बी, ठीक है। इसको हम वेन डायग्राम से करते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग मेथड्स हैं, बाकी जो हम यूज करते हैं, हम बेटे वेन डायग्राम मेथड यूज करते हैं आंसर करने के लिए, ठीक है। जैसे बेटे आपको स्टेटमेंट गिवन है ऑल ए इज बी, राइट। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, देखो हमें बोला है कि जितने भी ए हैं वो सारे ए आपके बी हैं, ये हमें गिवन है, मतलब जितने भी ए हैं वो सारे क्या है, बी है, ये चीज हमें गिवन है, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर हम कंक्लूजन करना स्टार्ट करेंगे कि इस स्टेटमेंट के ऊपर हम क्या क्या कंक्लूजन कर सकते हैं। फर्स्ट हम कह सकते हैं सम बी इज ए, पहली चीज हम क्या कह सकते हैं, सम बी इज ए, क्योंकि देखो सारे ए बी है, इसका मतलब ये तो हम कह ही सकते हैं कि कुछ बी का पार्ट ए में है, तो सम बी इज ए, ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन है। सिमिलरली जब सारे ए बी है तो हम बेटे ये भी कह सकते हैं सम ए इज बी, क्योंकि जब सारे ही ए बी है तो कुछ तो होंगे ही होंगे, तो ये भी हमारा क्या है, दिस इज अवर कंक्लूजन, ठीक है। मतलब अगर आपको ये दिया हुआ है ऑल ए इज बी, तो ऑल ए इज बी के ऊपर मैं ये दो कंक्लूजन कह सकता हूं, एक तो मैं ये कह सकता हूं कि सम बी इज ए, कुछ बी ए है, ठीक है, और सेकेंड मैं ये कह सकता हूं कि सम ए इज बी, राइट। अब आप मुझे ये बताओ, कैन यू से ऑल बी इज ए, ये हम नहीं कह सकते, ठीक है, मतलब इट इज नॉट ए कंक्लूजन, क्योंकि ऑल ए बी है, बट हम ये तो नहीं कह सकते ना ऑल बी इज ए, इट इज नॉट ए कंक्लूजन, बट ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर क्वेश्चन में आपको कंक्लूजन की जगह पे पॉसिबिलिटी के बारे में बताना हो तो पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, जब आप ये कहते हो ऑल ए इज बी, हो सकता है आप बेटे इसको ऐसे बना दो ये सारे ए और ये सारे बी है, तो हमने ये कह दिया ऑल ए इज बी, ठीक है, तो ये हमारी पॉसिबिलिटी तो हो सकती है बट इट इज नॉट ए कंक्लूजन, ठीक है। सिमिलरली मैं आपको कहूं कैन यू से सम बी इज नॉट ए, सम बी इज नॉट ए, ये भी कंक्लूजन नहीं हो सकता। रीजन क्या होता है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से, जैसे ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है ऑल ए इज बी, ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट से हम नेगेटिव कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। फ्रॉम द पॉजिटिव स्टेटमेंट वी कैन नॉट ड्रॉ द नेगेटिव कंक्लूजन, ठीक है। तो ये चीज बेटे आपने ध्यान रखनी है। अब क्या क्लियर हो गया कि अगर आपको ये गिवन है कि सम ए इज बी, तो यहां से आप बेटे दो कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो, पहला सम बी इज ए, ठीक है, सेकेंड सम ए इज बी, ये दोनों हमारे कंक्लूजन होंगे। इसके अलावा बाकी कुछ भी आपको दे रखा है वो कंक्लूजन नहीं हो सकता। उसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है ऑल बी इज ए, ये कंक्लूजन नहीं है, ठीक है। ऐसी आपको मैंने लिखा है सम बी इज नॉट ए, ये भी आपका कंक्लूजन नहीं है, ये भी पॉसिबिलिटी तो हो सकती है। इसके पीछे क्या रीजन है,
क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट को मैं नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं कह सकता, वहां से नेगेटिव कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकता। तो ये दो टाइप के कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। यस नो कर दिया करो बेटे साथ साथ, सो दैट आई मे बी इन टच विद यू। हाँ भाई आपको समझ में आ रहा है? यस सर, ठीक है बेटे। हाँ ये जो है सम बी इज ए, तो ये सेकंड वाली सिचुएशन में हो, ये तो हो ही नहीं रहा, वो तो ऑल बी आर ए हो रहा है। नहीं नहीं, सेकंड कौन सी है सिचुएशन बेटे, ये तो एक ही केस है। आप क्या ए इज इक्वल्स टू बी वाली? हाँ, तो बेटे क्या होता ना, आप इस चीज को समझो, आप समझो इस चीज को। जैसे सपोज मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे बेटे आपके पास एक ग्लास है, ठीक है, उस ग्लास में आपने एक तरह से मिल्क डाल दिया, ठीक है। अब ये मैंने कहा सारा मिल्क है, ये सारा मिल्क है, अगर मैं मिल्क का थोड़ा पार्ट भी ले लूं तो वो भी क्या होगा, दैट इज ऑल्सो मिल्क। जैसे मान लो ये पूरा ग्लास में पूरा मिल्क है, इफ आई टेक सम पार्ट ऑफ मिल्क दैट इज ऑल्सो मिल्क। मतलब क्या हुआ कि जब सारे ए बी हैं और सारे बी ए हैं, मतलब मैं अगर ये कहूं कि ऑल बीज है, तो जब सारे ही हैं तो कुछ तो होंगे ही होंगे। अब समझो ना, जब एक सारी चीज पूरी है तो उसका कुछ पार्ट तो हम कह सकते हैं ना, भी सम पार्ट इज ऑल्सो देयर। तो इसलिए ये कंक्लूजन किया जाता है, जब आप ये कहते हैं ऑल ए इज बी, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं सम ए इज बी और सम बी इज ए। तो ये दोनों कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं, जब सारी है तो मतलब कुछ तो है ही है, ये मतलब होता है इस टाइम के, ठीक है। अभी करते हैं आगे, और पॉइंट आएंगे अभी तो और क्लियर हो जाएगा। ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा। इसके बाद बेटे सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी है सम ए इज बी। सेकंड स्टेटमेंट होती है सम ए इज बी, ठीक है। अब देखो अगर सम ए इज बी है तो इसके लिए जो मिनिमम ओवरलैपिंग से हम ये रूल बनाते हैं, ये ए है और ये बी है, तो हमें उसने ये बोला है कुछ ए का पार्ट बी है, ये हमने ऐसे बना दिया, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, जब आपने ये बोला बेटे सम ए इज बी, तो मैं ये तो कह सकता हूं कि सम बी इज ए, क्योंकि जब कुछ ए का पार्ट बी है तो हम ये भी कह सकते हैं कुछ बी का पार्ट ए होगा। तो ये तो हम कह सकते हैं कि अगर सम बी इज ए, सम ए इज बी है, तो हम कंक्लूजन कर सकते हैं सम बी इज ए, ठीक है। अब इसमें मैं नेगेटिव कंक्लूजन नहीं कर सकता, जैसे आप ये नहीं कह सकते कि सम ए इज नॉट बी, सम ए इज नॉट बी, ये आप नहीं कह सकते। सिमिलरली यू कैन नॉट से सम बी इज नॉट ए, ये भी आप इस पे कंक्लूजन नहीं कर सकते, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट से हम नेगेटिव कंक्लूजन नहीं कर सकते, क्योंकि पॉसिबिलिटी में ये आपकी पॉसिबिलिटी तो हो सकती है बट दे आर नॉट कंक्लूजन। तो सम ए इज बी का जो कंक्लूजन है क्या होता है, सम बी इज ए, क्योंकि इसको हम ऐसे बनाएंगे तो जब कुछ ए बी है तो इसका मतलब ये तो हम कह ही सकते हैं कि सम बी इज ऑल्सो ए, ठीक है। तो सम ए इज बी का जो कंक्लूजन बनेगा वो बेटे आपका बनेगा सम बी इज ए, राइट। इसके बाद आइए बेटे थर्ड पॉइंट पे, इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है। एक बार ये फोर पॉइंट्स हो जाए फिर हम जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना, तो जब हम वेन डायग्राम मेकआउट करते हैं, दो तीन स्टेटमेंट एक साथ होती है, तो फिर आपको अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अभी कैसे हमने इसको लिया। थर्ड पॉइंट होता है बेटे इसमें नो ए इज बी, नो ए इज बी, मतलब फोर स्टेटमेंट होती है, दो स्टेटमेंट हमने कर लिए, इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट आती है नो ए इज बी, ठीक है। अब ये तो क्लियर है बेटे, जब आपको कोई ये कह दे कि नो ए इज बी, इसका मतलब ए अलग है और बी अलग है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो जब हमें ये बोला गया नो ए इज बी, तो इस पे अगर मैं कंक्लूजन करूं, क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव स्टेटमेंट से तो मैं नेगेटिव कंक्लूजन कर दूंगा, तो जब आपको ये कहा जाए नो ए इज बी, तो हम ये कह सकते हैं बेटे नो बी इज ए, व्हेन इट इज गिवन दैट नो ए इज बी, तो हम वहां पे क्या कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं नो बी इज ए, ये हमारा फर्स्ट कंक्लूजन हो जाएगा, ठीक है। अब जब बेटे कोई भी ए बी नहीं है, तो हम ये तो कह ही सकते हैं कुछ ए बी नहीं है, जैसे हमने पीछे किया अभी ऑल ए इज बी, इसका मतलब सम ए इज बी, ऐसे यहां पर है भी नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूं कि सम ए इज नॉट बी, दैट आई कैन से, और सिमिलरली मैं ये भी कह सकता हूं कि सम बी इज नॉट ए, सम बी इज नॉट ए, मतलब कुछ ए बी नहीं है, और ऐसी मैं ये भी कह सकता हूं कि कुछ बी ए नहीं है। तो जब हमारे पास में स्टेटमेंट ये होती है बेटे नो ए इज बी,
नो ए इज बी पे हम ये थ्री कंक्लूजन कर सकते हैं. फर्स्ट कंक्लूजन होता है नो बी इज ए, ठीक है. सेकंड कंक्लूजन हम कर सकते हैं बेटे यहाँ पे सम ए इज नॉट बी, और ऐसे ही हम ये भी कह सकते हैं बेटे सम बी इज नॉट ए. तो ये कंक्लूजन हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है बेटे, क्लियर. इसके बाद फिर हमारा आता है बेटे फोर्थ स्टेटमेंट. इसमें फोर्थ स्टेटमेंट होता है सम ए इज नॉट बी. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे जो टिपिकल है ना वो ये वाला स्टेटमेंट है सम ए इज नॉट बी, ठीक है. इसको ध्यान समझना बेटे, अब सम ए इज नॉट बी ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है स्टेटमेंट. बाकी तो देखो सिंपल है, स्ट्रेट है. सम ए इज नॉट बी को हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, अब देखो जब आपको ये कह दिया जाए सम ए इज नॉट बी तो इसमें ना कुछ पॉसिबिलिटी बनती है. देखो अगर मैं ऐसे बना दूं तो भी मैं कह सकता हूं सम ए इज नॉट बी, ये वो ए है जो बी नहीं है, ये कह सकते हैं ना, दिस पार्ट ऑफ ए इज देयर विच इज नॉट बी. सेकेंड पॉसिबिलिटी बेटे ये भी बन सकती है, मान लो ये पूरा ए और ये बी है, यहां भी मैं कह सकता हूं कि सम ए इज नॉट बी, ये वो ए का पार्ट है जो बी में नहीं है, ठीक है. और थर्ड मैं ऐसे भी कह सकता हूं, मान लो ये बेटे पूरा ए है, ठीक है, और ये बी है, मतलब ये ए है और यहां पे जैसे हमने ये बना दिया था, ठीक है, तो थर्ड में हम ये भी कह सकते हैं ये बी है, तो यहां भी मैं कह सकता हूं कि सम ए इज नॉट बी. तो ये कुछ हमारी पॉसिबिलिटी बनती है. ये फर्स्ट और थर्ड तो सेम ही है, मतलब ये दो पॉसिबिलिटीज इसमें हम इजिली मेक कर सकते हैं. एक तो ये वाली, यहां भी आप कह सकते हैं कि सम ए इज नॉट बी, और यहां भी आप कह सकते हैं कि सम ए इज नॉट बी, ठीक है. अब देखो इस पे हमें कंक्लूजन करना है. कंक्लूजन का मतलब होता है जो हर केस में ट्रू है, जो हर केस में ट्रू है, इसमें भी होना चाहिए ट्रू और इसमें भी ट्रू होना चाहिए, ठीक है. अब मुझे ये बताओ क्या आप ये कह सकते हो सम बी इज नॉट ए, सम बी इज नॉट ए, बताइए बेटे, कैन यू से दिस. अगर हमें स्टेटमेंट गिवन है कि सम ए इज नॉट बी, क्या आप कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि सम बी इज नॉट ए? नो सर, पॉसिबिलिटी हो सकती है. हाँ, ये पॉसिबिलिटी है, कंक्लूजन नहीं है. रीजन क्या है बेटे, क्योंकि यहां पे ये फॉल्स हो जाएगा. देखो इस वाले स्टेटमेंट में तो मैं कह सकता हूँ ये बी का पार्ट ए में नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ सम बी इज नॉट ए. बट अगर मैं सेकंड में देखूं तो सेकंड में तो मैं नहीं कह सकता. और कंक्लूजन का मतलब होता है बेटे जो हर पॉसिबिलिटी में ट्रू हो, ठीक है. तो ये हमारी सेकेंड उसमें ट्रू नहीं है, इसका मतलब ये कंक्लूजन नहीं है, इट्स नॉट ए कंक्लूजन. ये पॉसिबिलिटी हो सकती है. अगर एग्जाम में जैसे आपको जो क्वेश्चन मिलेगा अगर उसमें ये बोला जाए कि बेटे कंक्लूजन है कि नहीं है, फिर तो आपका आंसर नो है, बी इट्स नॉट ए कंक्लूजन. हाँ, अगर ये हो जाए बेटे क्या ये पॉसिबिलिटी है, वो आप कह सकते हैं इट इज ए पॉसिबिलिटी, बट हम ये नहीं कह सकते इट इज ए कंक्लूजन, ठीक है जी. डन, क्लियर हो गया. अब बेटे मैं इसमें ना आपको पहले अपनी ओर से कुछ क्वेश्चन कराता हूं, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे. एक मिनट मैं वो स्लाइड ऐड कर लूं. अब इसमें ना कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेशंस हैं, स्टैंडर्ड टाइप क्वेश्चंस होते हैं. पहले हम उनके वेन डायग्राम बनाकर देखते हैं, ठीक है. जैसे आप देख रहे समझना बेटे. सपोज मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें गिवन है सम ए इज बी, ठीक है. फिर हमें कह दिया ऑल बी इज सी, ऑल बी इज सी, ये दो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है. और फिर बेटे हमें इस पे कंक्लूजन बताने हैं क्या क्या होंगे. अब देखो जब आप इसका वेन डायग्राम मेक करोगे सम ए इज बी, तो सम ए इज बी तो बेटे ऐसे हो जाएगा, ये आपने ए लिख लिया और ये क्या लिख लिया बी, ये हो गया सम ए इज बी. फिर उसने बोला ऑल बी इज सी, अब देखो ये सारा बी है, ये सारा सी का पार्ट है, तो ये क्या बन गया बेटे ऑल बी इज सी. ये बात समझ में आई. देखो जैसे आपने पहले ये बनाया सम ए इज बी, ये तो हमने ऐसे बना लिया, ठीक है. सेकेंड हमारे पास है ऑल बी इज सी, ये सारा बी है, ये सारा बी सी का पार्ट है, अब ऐसे बन गया. अब आप मुझे कंक्लूजन बताओ, आप बताओ बेटे कैन यू से सम ए इज सी, ये कंक्लूजन होगा या नहीं होगा बताइए. सम ए इज सी, यस सर, होगा, ठीक है. ये कॉमन है बेटे, क्योंकि ये ए और सी में कॉमन हो गया, तो वी कैन से सम ए इज सी, तो ये कंक्लूजन है, दैट इज राइट, ठीक है. अभी आपको मैं यहां लिखूं कैन वी से सम बी इज सी, सम बी इज सी,
यस वी कैन से, देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जब ऑल बी इज सी हो, मतलब ऑल बी सी है, तो हम कह सकते हैं बेटे सम बी इज सी और सम सी इज बी. तो हमें तो क्वेश्चन में गिवन ही है कि स्टेटमेंट है हमारी ऑल बी इज सी, तो मैं इजिली कह सकता हूं कि सम बी इज सी. ठीक है, अब इसी में मैं अगर ये कहना चाहूं कि सम बी इज नॉट ए, कैन यू से सम बी इज नॉट ए? ये हम नहीं कह पाएंगे. क्यों? क्योंकि बेटा ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, और पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन हम ड्रॉ नहीं कर सकते. ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आपको मैंने सम ए इज बी की स्टेटमेंट लिखवाई थी, तो वहां बेटे आपको मैंने जब सम ए इज बी लिखवाया तो उसमें एक ही बताया कंक्लूजन, कि जब हमें सम ए इज बी होता है तो हम ये कह सकते हैं सम बी इज ए. ठीक है, वहां से मैं ये नेगेटिव कंक्लूजन नहीं कह सकता कि सम ए इज नॉट बी, और ऐसे ही आई कैन नॉट से सम बी इज नॉट ए. तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से हम नेगेटिव कंक्लूजन नहीं कह सकते. ठीक है, तो इसलिए क्या होता है बेटे कि अगर हमारे पास में यहां पर जैसे आपके पास में एक टाइप से बेटे ये स्टेटमेंट था कि जैसे हमारे पास आ गया कि ऑल बी सी, तो उसके लिए हम ये कह सकते हैं बेटे कि सम बी इज नॉट ए हम नहीं कह पाएंगे, दैट विल बी रॉन्ग. तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है बट इट इज नॉट ए कंक्लूजन. राइट, चलिए बेटे इसके बाद लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन. मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, आप उसको मुझे आंसर करके दिखाओ. एक मिनट, वेट फॉर अ मिनट. यस, अब जैसे फॉर एग्जांपल बेटे आपको ये गिवन है कि ऑल ए इज बी. ठीक है, फिर हमें कह दिया बेटे ऑल बी इज सी, और फिर हमें कह दिया बेटे सम सी इज डी, सम सी इज डी. ठीक है, अब पहले तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बेटे क्या होता है कि जो भी हमें गिवन है उसको हम वेन डायग्राम में लिखें. ऑल ए इज बी, ये ए और ये बी है, ऑल ए इज बी हो गया. फिर ऑल बी इज सी, तो क्या हो जाएगा बेटे ऑल बी इज सी, ऐसे बन गया सम सी इज डी. अब बेटे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, ये सी और डी में कॉमन है, तो जो मैं डी बनाऊंगा ना तो उसको ए बी के साथ कॉमन नहीं करूंगा, सी और डी के साथ ही कॉमन करूंगा. ठीक है, क्योंकि हमें तो सी और डी में कॉमन बताया है, तो देखो वैसे तो इट इज ए पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी में तो आप डी को चाहे ए बी से कॉमन कर दो, बट अगर आपने कंक्लूजन बनाना है तो सी और डी कॉमन करेंगे, ए बी को उसमें नहीं जोड़ेंगे. ठीक है, अब बेटे मेरे क्वेश्चन होंगे, जैसे आपसे मैं पूछूं सम बी इज डी, क्या ये कंक्लूजन होगा या नहीं होगा, बताइए सम बी इज डी. नहीं होगा, नो, क्योंकि सी और डी कॉमन है ना, जो डी है बेटे वो आपका बी के साथ तो नहीं है. अगर यह होता ना सम बी मे बी डी, तो हम कह देते यस वो हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी है, बट अगर कंक्लूजन है तो बेटे कंक्लूजन में हम उसे ऐसे नहीं कर पाएंगे. ठीक है, अब मैं आपको कहूं सम सी इज ए, बताइए बेटे व्हाट वुड बी योर आंसर, सम सी इज ए. सम सी इज ए, बताओ बेटे यस या नो. यस, देखो ऐसा ना आप सम सी इज ए क्या होगा बेटे, यस हो जाएगा. ठीक है, जैसे आप समझो कि अब बेटे हमारे पास में देखो ये ऑल ए इज बी है, ठीक है, फिर ऑल बी सी है, यही बोला ना पहले ऑल ए इज बी और ऑल बी सी. तो बेटे अब मैं ये कहूं भी सम सी इज ए, तो बेटे है ही तो ए तो सी के अंदर ही है. देखो ये जो ए है, ए तो क्या है, सी के अंदर ही है, सी के अंदर ही है, तो मैं कह ही सकता हूं सम सी इज ए, तो ये आपका राइट हो जाएगा सम सी इज ए. ठीक है जी, क्लियर. मतलब क्या है ना कि देखो ए सी के अंदर है, सी के अंदर है तो ऑब्वियस ही बात है बेटे कि सम सी इज ए. या यहां पर अगर ऐसा हो बेटे ऑल ए सी, ये बताइए बेटे ये कंक्लूजन होगा या नहीं होगा, ऑल ए सी. यस, देखो ये सारा ए सी के अंदर है, अब सारा ए अगर सी के अंदर है तो दैट विल बी ए कंक्लूजन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है बेटे, तो ये कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको मैंने जो फोर स्टेटमेंट्स हैं वो आपको मैंने बताई हैं.
अब हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? ये थ्योरी आपको मैंने बता दिया है, अब बेटा हम एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, राइट? अब इसमें देखो एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है ये समझेंगे पहले ध्यान से आप, कैसा क्वेश्चन आता है। आपको ना ऐसे ऑप्शन दिए होंगे, जैसे आपका जैसे एग्जाम में मान लो 5 ऑप्शंस का पेपर है या 4 ऑप्शंस का पेपर है, तो उसमें जैसे ऑप्शन दिए होंगे भी, अगर ऐसे स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट होगी और उसपे 2 कंक्लूजन होंगे 2 या 3, इसमें जैसे 2 क्वेश्चंस हैं 1 और 2, तो जैसे 1 स्टेटमेंट इज गिवन, इसमें 1, 2, 3 कुछ भी स्टेटमेंट हो सकती है, फिर बेटे उन स्टेटमेंट्स के ऊपर आपको क्या दिए होंगे, कंक्लूजन दिए होंगे, ठीक है? अब हमारा क्वेश्चन क्या होगा, जैसे ए आंसर कब होगा, जब ओनली 1 कंक्लूजन फॉलो, जब इन दोनों में से पहले वाला कंक्लूजन ठीक है तो हमारा आंसर क्या होगा, ए। बी आंसर कब होगा, जब ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोस, जब सेकंड कंक्लूजन फॉलो करेगा तो आंसर बी होगा, ठीक है? सी का मतलब होगा बेटे जब आइदर 1 और 2 फॉलोस, जब 1 और 2 में से कोई एक फॉलो करे तो आंसर सी होगा। डी का मतलब है बेटे नाइदर 1 और 2 फॉलोस, मतलब दोनों ही गलत है आपके, दोनों कंक्लूजन फॉलो ना करें तो क्या आंसर हो जाएगा, डी। और ई हो जाएगा बेटे जब 1 और 2 बोथ फॉलो तो आंसर क्या हो जाएगा, ई, ठीक है? इस तरह से ऑप्शंस होंगे, वो आपको ध्यान से पढ़ना है, ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, कैसा भी हो सकता है, क्योंकि वो एग्जाम टू एग्जाम है, पेपर टू पेपर है, तो हो सकता है किसी एग्जाम में ये यहाँ जो डी है वो ए में आपको लिख दे, तो आपको केयरफुली पहले रीड करना होता है। अब जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं, करो बेटे पहले आप स्टार्ट करो आंसर क्वेश्चन नंबर 1 को आप रीड करिए पूरा, समझिए, ठीक है? और इसमें कंक्लूजन बताइए बेटे कि क्या आंसर करोगे आप इसमें, क्वेश्चन नंबर 1। बोथ आर करेक्ट, तो आंसर क्या लिखोगे, ई। सिमरन यस, वंश, ठीक है? आप बेटे अब क्वेश्चन समझो कैसे करना है, जैसे हमें गिवन है बेटे ऑल स्टेपलर्स आर बोल्स, ठीक है? तो आपने बेटे मैंने भी बताया था, ये बना दिया ऑल स्टेपलर्स है, ऑल स्टेपलर्स आर बोल्स, ऐसे बन गया। फिर कह दिया बेटे ऑल बोल्स आर बैट्स, जितनी बोल्स है वो सारे क्या है, बैट है, ये इसका हमारा बन गया स्ट्रक्चर। अब हमें कंक्लूजन करना है, सम बैट्स आर बोल्स, सम बैट्स आर बोल्स कह सकते हैं जब सारे आपके जो आपकी बोल बैट है, तो कुछ बैट तो बोल होंगे, ठीक है? मतलब फर्स्ट कंक्लूजन हमारा राइट है। अब आइए बेटे सेकेंड पर, सम स्टेपलर्स आर बोल्स, तो बेटे जब सारे स्टेपलर बोल है तो कुछ बोल तो स्टेपलर होंगे या सम स्टेपलर आर बोल्स तो होंगे ही होंगे, तो सेकंड भी आपका राइट है, दोनों राइट है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ई। ई हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है? अभी स्टार्टिंग में हमने आसान आसान क्वेश्चन रखे हुए हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, फिर आगे इसमें काफी टिपिकल प्रॉब्लम्स भी आते हैं। चलिए बेटे क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाओ, एवरीवन ट्राई टू सॉल्व इट, स्टेटमेंट नंबर 2। टू में भी ई, चलो चेक करते हैं। जैसे ऑल केक्स आर चॉकलेट्स, ध्यान समझना बेटे, ऑल केक्स आर चॉकलेट्स, ऐसे हो गया। फिर ऑल चॉकलेट्स आर बिस्किट, ये तो पहले वाला ही हो गया, ऑल चॉकलेट्स आर बिस्किट्स। अब सम बिस्किट्स आर केक्स, सम बिस्किट्स आर केक, ठीक है? एंड सम केक्स आर बिस्किट्स, ये भी ठीक है। तो ठीक है बेटे, ई आंसर हो जाएगा, बोथ आर राइट, योर आंसर इज सेट टू बी ई, डन। चलिए बेटे आगे मूव करिए, अब आप इसको पढ़ो, जस्ट रीड द स्टेटमेंट नंबर नेक्स्ट, जैसे 12th नंबर स्टेटमेंट है, मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं तो एक एक करके हम करेंगे, अब इसको ऑब्जर्व करके देखिए और आंसर करिए बेटे।
ए, चलो करते हैं ट्राई। अब देखो जैसे ऑल पोटैटोज आर टोमेटोज, देखो ऑल पोटैटोज आर टोमेटोज ऐसे बन गया, ठीक है। नो टोमेटो आर ऑनियन, अब टोमेटो और ऑनियन एक नहीं है तो इसका अलग ये हो गया अलग अलग, ठीक है। अब देखो बेटे नो पोटैटोज आर ऑनियन, नो पोटैटोज आर ऑनियन ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब सारे पोटैटो टोमेटो के अंदर है और टोमेटो तो ऑनियन है नहीं, तो इसका मतलब बेटे पोटैटो भी ऑनियन नहीं होंगे, तो फर्स्ट तो राइट है। सेकंड में कहता है सम पोटैटोज आर ऑनियन, ये बेटे रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये तो नहीं पॉसिबल है, ये तो आपका कंक्लूजन नहीं हो सकता, तो फर्स्ट ट्रू है, तो इसका मतलब क्या आंसर हो गया बेटे इसका ए, ए इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट ट्राई करिए, चेक करते हैं बेटे वंस का ई आ रहा है, बाकी होगा ए है, लेट अस ट्राई इट। ऑल स्कर्ट्स आर शर्ट्स, ठीक है, ऑल स्कर्ट्स आर शर्ट्स ये ऐसे बन गया, ठीक है। ऑल कीज आर स्कर्ट्स, ऑल कीज आर स्कर्ट्स मतलब की अब जो है वो बेटे वो यहां पर हो गया अंदर, की इधर है, ठीक है। अब कहते हैं बेटे ऑल कीज आर शर्ट्स, बिल्कुल ठीक है। ऑल शर्ट्स आर की, ये रॉन्ग है, ये तो नहीं कह सकते ना बेटे, हम सभी शर्ट्स को तो की नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आंसर हो जाएगा बेटे, फर्स्ट राइट है, फर्स्ट राइट है, तो कितना आंसर हो जाएगा ए। वंस आई होप इट्स क्लियर, ठीक है बेटे। ऐसा है ना जैसे ये आपको ये स्कर्ट ये शर्ट, फिर कीज आपको बोला है बेटे ऑल कीज आर स्कर्ट्स, इसका मतलब जो की वाला पार्ट है वो स्कर्ट की इधर है, तो अब यहां से आपने बेटे आंसर करना है, तो यहां से आप देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा बेटे, फर्स्ट राइट है, सेकंड रॉन्ग हो जाएगा, तो आंसर इज ए, ठीक है। नेक्स्ट करिए बेटे क्वेश्चन नंबर 14, बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें आपने बेटे जो वर्ड होता है ना उससे कोई मतलब नहीं होता, कई बार आपको लिखा होगा ओल्ड डॉग्स आर कैट्स, ओल्ड कैट्स आर काउज, तो उसमें हमें कोई जो जो वर्ड लिखा है उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो जो रूल है उसको फॉलो करना है। अभी थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, इसका जो फिगर है वो बनेगा अलग, मतलब जो पहले वाली फिगर्स नहीं है, फिगर्स इज डिफरेंट। वंस करिए बेटे आंसर, फिर करता हूं मैं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। ऑल प्लेट्स आर टम्बलर्स, ऑल स्पून्स आर टम्बलर्स, मतलब ये टम्बलर हो गया, ठीक है, सभी प्लेट भी टम्बलर है और सभी स्पून भी टम्बलर है, ये हमने ऐसे बना दिया, ठीक है। अब देखो सम प्लेट्स आर टम्बलर्स, सम प्लेट्स आर टम्बलर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सम प्लेट तो टम्बलर कह सकते हैं, सम टम्बलर आर स्पून ये भी कह सकते हैं, बोथ आर राइट, इसका मतलब क्या आंसर हो गया बेटे ई, ई इज द आंसर, दैट बिकम्स योर आंसर, ठीक है। चलिए बेटा आगे इसको ट्राई करिए, अब देखो बेटे हमें गिवन है नो बुक इज पेंसिल, ठीक है, तो नो बुक इज पेंसिल ये बेटे बुक हो गया, ये पेंसिल हो गया, ठीक है। सम पेंसिल्स आर नॉट कॉपीज, अब ये आपको थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ेगा, जैसे सम पेंसिल्स आर नॉट कॉपीज, तो आपको मैंने सम ए इज नॉट बी में पॉसिबिलिटी बताई थी, एक बार फिर समझो दोबारा से, सो दैट जो बच्चा नहीं था बेटे वो क्लियर हो जाएगा। जैसे बेटे मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि सम ए इज नॉट बी, ठीक है, सम ए इज नॉट बी में हम ये दो केस बनाते हैं, ये भी कह रहा है सम ए इज नॉट बी और ये भी कहता है सम ए इज नॉट बी, ठीक है, और सम ए इज नॉट बी सिंगल इस स्टेटमेंट से हम कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो जैसे यहां पर हमें क्वेश्चन जो गिवन है, हमें बेटे गिवन है कि
some pencils are not copies. उसमें क्या हो सकता है, एक कंक्लूजन तो ये हो सकता है कि ये कॉपीज हो गया और हमने ये कह दिया सम पेंसिल्स आर नॉट कॉपीज, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन बेटे ये हो सकता है कि कॉपीज के अंदर हो जाए, जो नंबर टू आपकी जो पॉसिबिलिटी है कि कॉपीज जो है वो इसके अंदर हो जाए, तो हम भी अब भी कह सकते हैं कि सम पेंसिल्स आर नॉट कॉपीज, ठीक है। अब आप देखो बेटे, फर्स्ट कहते हैं नो कॉपीज आर पेंसिल, नो कॉपीज आर पेंसिल। अब ये आप कह सकते हैं, ये तो आप नहीं कह सकते, दैट यू कैन नॉट से, ये तो आप नहीं कह सकते ना, नो कॉपीज आर पेंसिल्स, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा आपका रॉन्ग। सेकंड कहता है नो कॉपी इज बुक, नो कॉपी इज बुक। अब बेटे ये भी आपका रॉन्ग है, कारण समझना है इसका। देखो अगर तो मैं ये वाला केस लेता हूं, अंदर वाला जिसमें मैंने कॉपी को इनसाइड ले लिया, वो तो हो गया, उसमें तो मैं कह सकता हूं नो कॉपी इज बुक। बट जो सेकंड केस मैंने बनाया कि मैंने पेंसिल और कॉपी को ऐसे बना, अब पेंसिल और कॉपी तो बेटे ऐसे भी तो हो सकती है, अब समझो, मतलब जैसे आपको ये बोला है कि क्योंकि कॉपी और बुक के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा ना उसने ऊपर, मतलब उस ऊपर जो उसने रिलेशनशिप दिया है उसमें ही हैज नॉट गिवन एनी एसोसिएशन बिटवीन कॉपी एंड बुक, तो हम कॉपी और बुक के बारे में कोई भी रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे। दोनों गलत है बेटे आपके यहाँ पर, बोथ आर रोंग, मतलब हेयर बोथ आर रोंग। उसका रीजन समझो आप, क्या रीजन है। देखो जैसे जब हमारे पास में, मैं एक बार दोबारा बताता हूं इसको, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। जब हमारे पास में, जैसे पहला तो ठीक है, नो बुक इज पेंसिल आपने लिख दिया, ये बुक का बेटा ये पेंसिल है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो सम पेंसिल आर नॉट कॉपीज, इसकी मैं पॉसिबिलिटी बनाऊंगा। एक तो बेटे ये हो जाएगी कि सम पेंसिल्स आर नॉट कॉपीज, ऐसे हो सकता है ये कॉपी हो गया। सेकंड ऐसे भी तो हो सकता है बेटे, सम पेंसिल्स आर नॉट कॉपीज, इसमें भी तो हो सकता है क्योंकि बुक और कॉपी के बारे में तो कुछ नहीं कहा, तो वी आर नॉट क्लियर कि बुक कॉपी हो सकती है या नहीं हो सकती है। हम कंक्लूजन अपनी ओर से नहीं कहेंगे ना, कंक्लूजन का तो मतलब यही है बेटे, दैट इज ट्रू इन ऑल पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो इसका मतलब बेटे ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग है, बोथ आर रॉन्ग। अब दोनों अगर गलत है तो आंसर क्या था बेटे, उसमें आपका आंसर था डी, नाइदर वन और टू फॉलोज, हेंस डी इज द आंसर। आई बात समझ में, क्योंकि आपने बेटे जो आंसर किया है ना, आप उसको पॉसिबिलिटी ले रहे हो, आप ये कह रहे हो अभी नो कॉपी इज बुक, ठीक है, बट ये तो हो सकता है बेटे, कॉपी बुक तो हो सकती है, कॉपी कैन बी बुक, देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ इट, और कॉपी कैन नॉट बी बुक, तो ये कंक्लूजन नहीं है ना, तो इसलिए मतलब ये आंसर नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, जैसे नो बुक इज पेंसिल, नो ये तो सेम क्वेश्चन लिखे गए क्या शायद, नहीं थोड़े चेंज है, हाँ, नो बुक इज पेंसिल, ये आपने ऐसे बना दिया, सम पेंसिल्स आर नॉट कॉपीज, हाँ स्टेटमेंट आपकी सेम है, स्टेटमेंट्स आर सेम, क्या नहीं दिया बेटे स्टेटमेंट में, हाँ मैं वही तो कह रहा हूं बेटे, जब स्टेटमेंट में बुक और कॉपी का कुछ नहीं गिवन है तो आप कैसे कह सकते हो कि नो बुक इज कॉपी, वही तो चीज समझा रहा हूं बेटे आपको मैं यहां पर, कि कंक्लूजन क्या होता है। देखो कंक्लूजन का मतलब, अब जैसे आप छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको मैं, ठीक है, मैंने आपको बोला बेटे कि यू आर ऑनेस्ट, मैंने आपको बोला यू आर ऑनेस्ट, ठीक है। अब मैंने आपको आपकी ऑनेस्टी की बात करी है, अब कोई आपसे ये पूछे कि क्या, अब अगला मैं इस पे ये कंक्लूड कर दूं कि यू विल ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, तो ये तो मैं नहीं कह सकता ना, इसके बारे में जब बोला ही नहीं तो मैं कैसे वो करूंगा, हाउ आई कैन मेक द रिलेशनशिप। जब हमें स्टेटमेंट में पता ही नहीं है कि बुक और कॉपी में कोई रिलेशन है या नहीं है, तो हम तो नहीं कह सकते ना बेटे कि नो कॉपी इज बुक, हो सकता है कॉपी कैन बी बुक, इसलिए ये कंक्लूजन नहीं बनेगा ना आपका। कंक्लूजन का मतलब है कि जो ट्रू है, पूरा पढ़ने के बाद हर सर्कमस्टांसेस में जो चीज ट्रू है उसे हम कंक्लूजन कहते हैं। अब जैसे 44th है, स्टेटमेंट तो बेटे सेम है हमारी, अब कंक्लूजन करना है, जैसे नो बुक इज पेंसिल, अब देखो नो बुक इज पेंसिल हमें दे रखा था, नो पेंसिल इज बुक, ये तो ठीक है, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड में कहता है सम पेंसिल्स आर कॉपीज, अब ये भी वही दिक्कत होगी, ये पॉसिबिलिटी है, ये पेंसिल जो नंबर टू है उसमें उसने क्या बोला है, उसने आपको ये बोला है कि सम पेंसिल्स आर कॉपीज, वो भी पॉसिबिलिटी हो जाएगी क्योंकि सम पेंसिल आर नॉट कॉपीज को मैं ऐसे ही मेंशन करते हैं, या भी मैं कह सकता हूं सम पेंसिल्स आर नॉट कॉपीज,
तो सेकंड वाला रॉन्ग हो जाएगा, ओनली फर्स्ट ट्रू होगा, ए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसका। राइट, 45th की सेकंड स्टेटमेंट नहीं है। हाँ जी बेटे, यस वंश, ऐसा ना बेटे देखो, आप इस चीज को समझना, मैं एक बार इस पॉइंट को दोबारा समझाऊं। ये जो पॉइंट, यही एक पॉइंट दिक्कत करता है बस। जैसे आपको बोला बेटे कि सम पेंसिल्स आर नॉट कॉपीज, सम पेंसिल्स आर नॉट कॉपीज, ठीक है। तो इसमें ना हमारे पास में तीन पॉसिबिलिटी होती है, थ्री पॉसिबिलिटी होती है। एक तो बेटे ऐसे बना सकते हो, ये पेंसिल है, ये कॉपीज है, मैं कह सकता हूं कि सम पेंसिल्स आर नॉट कॉपीज, ठीक है। सेकेंड मैं ऐसे बना सकता हूं बेटे, ये पेंसिल और ये कॉपीज है, या भी मैं कह सकता हूं कि सम पेंसिल्स आर नॉट कॉपीज, ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है कि ये पेंसिल है और ये कॉपी है, ठीक है। या भी मैं कह सकता हूं कि सम पेंसिल्स आर नॉट कॉपीज, जब सारी पेंसिल कॉपी नहीं है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सम पेंसिल्स आर नॉट कॉपीज, ठीक है। तो जब हमारे पास में कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए, कोई भी क्वेश्चन जिसमें सम पी आर, मतलब सम ए इज नॉट बी आ जाए, तो हमें तीनों पॉसिबिलिटी में देखना होता है, क्योंकि कंक्लूजन वो होगा जो तीनों सर्कमस्टांसेस में ट्रू होगा, ठीक है। अब जैसे मैं यहां पर इसको मेक करना स्टार्ट करूंगा, जैसे आप देखिए, हमें स्टेटमेंट इसने गिवन थी कि नो बुक इज पेंसिल, कोई दिक्कत नहीं बेटे, ये बुक है, ये पेंसिल है, ये मैंने ऐसे बना दिया। फिर कहता है सम पेंसिल्स आर नॉट कॉपीज, अब इसमें मुझे तीनों केस मेक करने पड़ेंगे। पहला केस बनाऊं मैं सम पेंसिल्स आर नॉट कॉपीज, तो कॉपीज को मैं यहां लिख लूंगा ऐसे, ठीक है। अब ये कॉपी और बुक में रिलेशन नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि कॉमन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। एक ये बन गया, सेकंड हम ऐसे बनाएंगे, ये बुक है, ये पेंसिल है, ये ऐसे बना देंगे कि कॉपीज को पेंसिल के अंदर कर देंगे, कॉपीज को किसके अंदर कर देंगे, पेंसिल के अंदर कर देंगे, हम कह सकते हैं सम पेंसिल्स आर नॉट कॉपीज। थर्ड हम ऐसे बनाएंगे, ये पेंसिल है, ये बुक है, कॉपीज को पूरे को पेंसिल के बाहर कर देंगे, तो भी मैं कह सकता हूं सम पेंसिल्स आर नॉट कॉपीज। अब आप जो कंक्लूजन है ना, वो तीनों पे ट्रू होने चाहिए। अब देखिए, पहला कहता है नो पेंसिल इज बुक, ये तो ठीक है, नो पेंसिल इज बुक, ये तो तीनों पे ट्रू है, ये राइट हो गया। सेकंड कहता है सम पेंसिल आर कॉपीज, अब इसमें तो सम पेंसिल आर कॉपी ट्रू है, इसमें सम पेंसिल आर कॉपी ट्रू है, बट इसमें तो ट्रू नहीं है। तो कंक्लूजन वो होता है बेटे जो तीनों पॉसिबल, मतलब वो हर पॉसिबिलिटी पे राइट हो, उसी को हम कंक्लूजन कहेंगे। तो थर्ड पे वो फॉल्स हो गया, इसलिए बेटे ये हमारा आंसर नहीं होगा। That's why our answer is A. मतलब ये जो मैंने आपको सम A is not B वाला केस समझाया है, यही एक बेटे इसमें समझने का है सारा, यही दिक्कत क्रिएट करता है आपको। इसमें ये तीन पॉसिबिलिटी आपको बना के चलनी होती है, कंक्लूजन वो करेंगे बेटे जो तीनों पॉसिबिलिटी पे आपका राइट होगा, वो हमारा कंक्लूजन होगा। और अगर कोई इन पॉसिबिलिटी पे राइट नहीं है, तो वो हमारा कंक्लूजन नहीं होगा, राइट। चलो बेटे ये क्वेश्चन करके दिखाऊं, 40th नंबर स्टेटमेंट अपनी ओर से ऑब्जर्व करके देखिए क्या गिवन है, जस्ट ट्राई टू आंसर इट। अब बस इसमें आपने बेटे वेन डायग्राम बनाना है, सम बॉयज आर ऑनेस्ट पर्सन्स, तो ये होगा बेटे, ये बॉयज हो गए, ये ऑनेस्ट हो गया, ठीक है। नो ऑनेस्ट स्टूडेंट, कोई भी ऑनेस्ट जो है वो स्टूडेंट नहीं है। तो बेटे स्टूडेंट यहां भी हो सकता है, स्टूडेंट यहां भी हो सकता है, स्टूडेंट कहीं भी हो सकता है, बट वो ऑनेस्ट से कॉमन नहीं होना चाहिए, यही बात हुई ना, ऑनेस्ट से कॉमन नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट बॉय के साथ कॉमन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बॉय और स्टूडेंट के बारे में
कुछ नहीं बताया, ठीक है। अब देखो, सम बॉयज आर नॉट ऑनेस्ट पर्संस, उसने बोला है सम बॉयज आर नॉट ऑनेस्ट पर्संस। आप मुझे ये बताइए, मैंने बेटे आपको सेकंड स्टेटमेंट लिखवाई थी सम ए इज बी, तो क्या आप ये कह सकते हो सम बी इज नॉट ए या सम ए इज नॉट बी? वो तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि जब उसने वो ये बोला है कि सम बॉयज आर ऑनेस्ट पर्संस, तो यहां से मैं ये तो कह नहीं सकता कि सम बॉयज आर नॉट ऑनेस्ट पर्सन, मतलब पहला तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझाया पूरा, तो वहां आपको मैंने ये स्टेटमेंट लिखवाई थी कि सम ए इज बी, ठीक है। तो अगर हमारे पास में सम ए इज बी हो, तो वहां से बेटे आप ये तो कह नहीं सकते कि सम ए इज नॉट बी या सम बी इज नॉट ए, इसका मतलब फर्स्ट तो आपका रॉन्ग हो गया बिल्कुल। सेकंड में आइए, सम बॉयज आर नॉट स्टूडेंट्स, अब बताइए सम बॉयज आर नॉट स्टूडेंट, बेटे जो बॉयज ऑनेस्ट हैं वो तो क्लियर है बेटे, वो तो स्टूडेंट नहीं होंगे। जो बॉयज यहां पर है ऑनेस्ट के साथ है, वो तो स्टूडेंट के साथ आ ही नहीं सकते, क्योंकि ऑनेस्ट और स्टूडेंट तो कॉमन ही नहीं है। तो इसका मतलब ये जो बॉयज है ये कभी भी स्टूडेंट नहीं होंगे, तो ये हमारा राइट हो गया। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द आंसर, ये बेटे आपका आंसर हो जाएगा। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। मतलब देखो ये आपको ना, क्योंकि ये इसलिए इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे इसका लेवल इंक्रीज होता जाएगा ना, वैसे वैसे आपको पूरा सोचना पड़ेगा, दिमाग से करना पड़ेगा, ठीक है। पर ये है कि विद प्रैक्टिस हो जाते हैं। तो आज तो जैसे हमने इंट्रोडक्शन किया, अगली क्लास में मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, पूरी एक क्लास हम प्रैक्टिस रखेंगे, सो दैट आपको ये हो जाए भी हाँ भाई ये पूरा टॉपिक हो जाता है। फिर आपके पास बेटे जो रीजनिंग की बुक है उसमें भी इसमें पूरी एक्सरसाइज आपको दिया हुआ है, वो सारा बात बताएंगे आपको भी। एक आधे बच्चे को हो सकता है बुक्स ना मिली हो, तो वो फिर आप उसमें से भी ट्राई करिएगा। ऐसे बेटे ये 41 नंबर क्वेश्चन है, ये करके दिखाओ, ट्राई द नेक्स्ट स्टेटमेंट, बिल्कुल इसी टाइप का ही है, जस्ट ट्राई टू आंसर इट। देखो जैसे बेटा आपको क्यों बना है, सम डॉक्टर्स आर क्वैक, ये बना दिया आपने सम डॉक्टर्स आर क्वैक, ठीक है। और नो क्वैक इज इंजीनियर, अब इंजीनियर और क्वैक कॉमन नहीं है, तो इंजीनियर बेटे यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है क्वैक को छोड़कर। सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, सम इंजीनियर आर डॉक्टर, ये गलत है, ये पॉसिबिलिटी है बेटे, कोई 100% तो नहीं है ना ट्रू। अगर इंजीनियर यहां पर है तो मैं कैसे कह सकता हूँ सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स। फिर कहते हैं सम इंजीनियर आर नॉट डॉक्टर्स। अब आप समझना बेटे ध्यान से इस बात को समझना, अब दोनों में से ये बात पक्की है बेटे, दोनों में से एक तो ठीक होगा, ये तो दोनों कंक्लूजन है, एक तो ठीक होगा, या तो पहला ठीक होगा या दूसरा ठीक होगा। ऐसा जैसे सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, या तो होंगे या नहीं होंगे, एक तो ठीक होगा इनमें से, क्योंकि यहां पर जैसे पिछला क्वेश्चन था ना, पिछला क्वेश्चन से कंपेयर अगर आप करोगे तो वो ये था कि सम डॉक्टर्स आर नॉट इंजीनियर्स, तो पक्का था बेटे कुछ डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, वो बात क्लियर थी। बट अब यहां बात है कि सम इंजीनियर आर नॉट डॉक्टर या सम इंजीनियर आर डॉक्टर, तो एक तो ट्रू होना ही होना है। तो आपको बेटे जब मैंने कंक्लूजन के आंसर लिखवाए थे तो उसमें सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन होता है आइदर वन और टू फॉलोज। इसका मतलब होता है कि आइदर वन और टू फॉलोज का मतलब होता है कि अगर पहला राइट है तो दूसरा रोंग है, सेकंड राइट है तो फर्स्ट रोंग है, ठीक है। अब आप यहां अगर कंपेयर करके देखो,
कि जैसे उसने ये लिखा है सम इंजीनियर आर डॉक्टर, अगर मैं ये कह दूं सम इंजीनियर आर डॉक्टर, इसका मतलब ये आपका गलत हो जाएगा, सम इंजीनियर्स आर नॉट डॉक्टर्स। और अगर मैं ये कह दूं सम इंजीनियर्स आर नॉट डॉक्टर्स, तो ये गलत हो जाएगा बेटे, सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स। तो दोनों में से एक तो ट्रू है ही है ना आपका, या तो पहला ट्रू है या सेकेंड ट्रू है, ठीक है। इसलिए बेटे यहां पर हम अपना आंसर क्या कर सकते हैं, सी मार्क कर सकते हैं। अब बी क्यों नहीं है वो समझना, अगर ये होता ना सम डॉक्टर्स आर नॉट इंजीनियर्स तो आपका आंसर हो जाता बेटे, योर आंसर इज बी। बट यहां पर है कि सम इंजीनियर्स आर नॉट डॉक्टर्स, अब इंजीनियर तो यहां भी हो सकते हैं क्योंकि इंजीनियर क्वैक नहीं है, क्वैक को छोड़कर इंजीनियर कहीं भी हो सकता है। तो इंजीनियर तो इस अगर इंजीनियर इस सेक्शन में आ जाए तो मैं नहीं कह सकता सम डॉक्टर्स आर नॉट इंजीनियर्स, मतलब सम इंजीनियर्स आर नॉट डॉक्टर्स। तो इसका मतलब बेटे दोनों में से एक तो आपका ट्रू है ही है, पहला ट्रू है या सेकेंड ट्रू है, दैट्स वाई इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा बेटे सी आंसर बनेगा, दैट बिकम्स योर आंसर। ठीक है जी, क्लियर राइट। तो बेटे ये आज मैंने आपको कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा बेटे इसके ऊपर, ठीक है। रीजनिंग क्लास में हम सिलोक्स में प्रैक्टिस करेंगे पूरा इस पूरे टॉपिक के ऊपर, सो दैट आपको ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो जाए, राइट। आज बेटे आपकी एक ही क्लास थी, वैसे तो मेरी क्लास थी नहीं आज, रीजनिंग की एक और टीचर है उनकी क्लास थी, वो बेटे जो आपका जो क्रिटिकल रीजनिंग वाली क्लास थी, ठीक है। नहीं कल क्लास नहीं बेटे, अब आपकी मंडे क्लास है, मतलब आपका जो टाइम जो टेबल है मैं बता देता हूँ, शेड्यूल बता देता हूँ क्या रहता है बेटे। देखिए मंडे क्लास रहेगी आपकी 3 आवर्स की, एक आधी बार क्या होता है बेटे कोई टीचर अवेलेबल नहीं है, या देखो सबके परिवार है फैमिलीज है, वो एक आधी बार छुट्टी करनी पड़ जाती है, बाकी अदरवाइज मंडे बेटे आपकी 3 आवर क्लास रहेगी, ट्यूसडे 3 आवर क्लास रहेगी आपकी, वेडनेसडे ऑफ रहता है बेटे आपका, वेडनेसडे हम कोई क्लास नहीं करते, थर्सडे आपकी बेटे 3 आवर की क्लास रहेगी, फ्राइडे 3 आवर की क्लास रहेगी, और सैटरडे बेटे आपकी कभी 2 आवर्स की कभी 3 आवर्स की, ठीक है। कई बार अब जैसे आज जो रीजनिंग वाले सर है उनकी क्लास थी, बट आज ही इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, तो इसलिए फिर बेटे हमने ऑफ कर दिया। हाँ संडे और वेडनेसडे को अभी हमने ऑफ रखा हुआ है, क्योंकि ऐसा ना बेटे आपको और भी तो पढ़ना होता है ना, जैसे अभी तो चलो आप लोग तो ये है कि आप अभी ज्वाइन करा, और बहुत बच्चे ऐसे हैं कोई बेटे 12th में है, कोई किसी उसमें है, किसी के पास मेडिकल साइड है, किसी के पास नॉन मेडिकल है, उनकी अपनी भी जो ट्यूशन होती है, तो इसलिए हमने बीच में 2 दिन का टाइम इसलिए दिया हुआ है कि आप बेटे जो पढ़ते हैं उसको रिवाइज करिए, ठीक है। ऑफलाइन में तो बेटे बैच वाइज है, ऑफलाइन बेटे वी हैव नंबर ऑफ बैचेस, जब ओपन हो जाएगा ना उस टाइम पर नंबर ऑफ बैचेस आ रहे हैं, फिर आपको इवनिंग में आना, इवनिंग बैच भी अवेलेबल होता है, वीकेंड बैच भी होता है, सैटरडे संडे, वो जैसा आपको होगा अवेलेबिलिटी उस टाइम पर नंबर ऑफ बैचेस आर अवेलेबल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे हमारे लिए, ऑफलाइन में तो हम 2 बच्चों का भी बैच कर देते हैं स्टार्ट, ठीक है। ये तो ऑनलाइन में क्या है ना कि वही चीज बार बार करनी टीच, और क्लासेस इसमें आपको ज्यादा मिल जाती है, इसलिए हमने अपने टाइमिंग फिक्स किया हुआ है, 1-2 ही बैच हम दे रहे हैं बच्चे को। ये तो ऑफलाइन में तो बेटे आप जैसे 2 बच्चे हो गए, शाम को शुरू कर दिया, मॉर्निंग कर दिया, आफ्टरनून में कर दिया, तो नंबर ऑफ बैचेस आ रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो बेटे आप इसको रिवाइज करिए, फिर मंडे को बेटे आपकी 12 o'clock पे क्लास रहेगी, सेम टाइमिंग जैसे आपका शेड्यूल है, और शेड्यूल आपको मिल ही जाएगा एडवांस में, मॉर्निंग में ही भेज देते हैं बेटे हम आपको लिंक्स कौन कौन सी क्लासेज आप रहेंगी, ठीक है। तो दिस इज एंड फॉर टुडेज क्लास, राइट, थैंक यू।